हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का आपका यहाँ पे 15 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के बारे में। आपके पास जस्ट 5 डेज है यहाँ पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एटलीस्ट हम लोग कितना करके जाएंगे, हमारा यहाँ पे टीसीएस का असेसमेंट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से सिर्फ बताऊंगा, कंप्लीट सिलेबस नहीं रहेगा। और अपडेटेड सिलेबस जो भी है यहाँ पे मैं वो आपको बताऊंगा, और टेस्ट पैटर्न जो भी अपडेटेड है, टाइमिंग ड्यूरेशंस क्या क्या होने वाले हैं, और यहाँ पे फिर रिसोर्सेस के बारे में बात करेंगे कि आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहाँ आपको वीडियो लेक्चर्स देखना है और कहाँ आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में आपको यहाँ पे 4 सेक्शंस देखने के लिए मिलेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और कोडिंग। कोडिंग यहाँ पे आपका ऑप्शनल होने वाला है। बीसीए और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए जो कोडिंग होता है वो ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे आपका कोडिंग ऑप्शनल होने वाला है। अगर आप कर पाते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो भी ठीक है। कोडिंग के लिए जो आपका यहाँ पे लैंग्वेज होने वाला है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, आप चारों में से किसी में भी कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे असेसमेंट अगर क्लियर करना है टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का, तो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी पे पूरा फोकस करना पड़ेगा, अगर आपका कोडिंग अच्छा नहीं है तो। तो आपको ये तीनों सेक्शन पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन द 3 सेक्शंस आपका यहाँ पे कट ऑफ होता है। तो आपका यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। यहाँ पे किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अगर आपको नहीं आता है तब भी आपको टिक करके आना है, आपको तुक्का लगा के आना है। यहाँ पे बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में, जो कि अपडेटेड पैटर्न है, जो पिछले बार जुलाई मंथ में जो हुआ था एग्जाम उसी का पैटर्न है। तो आई होप कि आपको यही पैटर्न देखने के लिए मिले, क्योंकि हर बार एग्जाम में पैटर्न चेंज होता है, बट ये अपडेटेड पैटर्न है पिछले बार का, और सेम क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आई होप आपका यही पैटर्न होगा। तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो क्वांटिटी में देखने के लिए मिलेगा। वहां पे 20 क्वेश्चन में आपको 20 मिनट्स टाइम दिया गया था पिछले बार, और वर्बल में आपको 17 क्वेश्चन 15 मिनट टाइम दिया गया था, रीजनिंग में आपको 11 क्वेश्चन 25 मिनट्स टाइम दिया गया था, कोडिंग के आपका 1 क्वेश्चन था और उसके लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया गया था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा 51, और टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा 120 मिनट्स का रहेगा। तो ये आपका पेपर पैटर्न होने वाला है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, कि एटलीस्ट हम लोग कितना पढ़ के जाएं जिससे कि हमारा यहाँ पे असेसमेंट क्लियर हो जाएगा। तो सिलेबस इसका काफी बड़ा है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आपका क्वेश्चंस रहता है उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक्स है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से आपका यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चंस रहता है, एवरेज के क्वेश्चंस रहते हैं, मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन के भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे स्टैटिक्स से आपको देखने के लिए मिलेगा। परसेंटेज, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे आपको इन 4 टॉपिक्स से आपको यहाँ पे सेम रिलेटेबल टॉपिक्स है, जिस ऑर्डर में आपको दिया गया है उसी ऑर्डर में करना है इसको। और इन 4 टॉपिक से आपको यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे क्वांटिटेटिव में। उसके बाद रेशियो से रिलेटेड टॉपिक है एजेस, मिक्सर एलिगेशंस, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे रह सकते हैं इससे। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन, किसी शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी शिफ्ट में 1 भी क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके होने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे एक और टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये सारे क्वांटिटी का यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको एटलीस्ट इतना करके जाना है, बाकी करने के लिए तो बहुत है, बट एटलीस्ट आपको इतना करके जाना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो रीजनिंग में जितना भी यहाँ पे टॉपिक्स दिया हुआ है, अगर आप इतना करके जाते हैं तो आपका पेपर का 82-85% यहाँ पे सॉल्व हो जाने वाला है। इससे ज्यादा आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग ये सारा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन टफ होता है, थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है, प्रैक्टिस के साथ जाना है। सर्कुलर और यहाँ पे पैरेलल अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, लीनियर अरेंजमेंट बहुत कम देखने के लिए मिलता है।
उसके बाद आपका यहाँ सिलोलिज्म से 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन एजप्शन से 1 क्वेश्चंस रहता है। नंबर सीरीज से आपका 2 से 3 क्वेश्चंस रह सकता है और नॉन वर्बल से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चंस रह सकता है। तो यहाँ पे ये रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अगर आपके पास 5 डेज यहाँ बचा हुआ है तो सबसे पहले आप रीजनिंग पे फोकस करें, ये थोड़ा ईजी होता है और आप इसको 2 दिन में एटलीस्ट जितना टॉपिक मैंने बताया है 2 दिन में इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है वो भी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं वर्बल का। तो वर्बल के लिए आपके पास ज्यादा टिप्स तो नहीं है, बस ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा। आप यहाँ पे 5 दिन में इंग्लिश का प्रिपरेशन नहीं कर सकते अगर आपका पहले से नहीं है तो आप पहले से अगर पढ़े हुए हैं तो ये आपका सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस आपको यहाँ पे ये जो मैं यहाँ पे रिसोर्सेस बता रहा हूँ, अगर आप वहां से इंग्लिश का प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो आपका इंग्लिश का क्वेश्चंस बन जाने वाला है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, आपका इससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव से 4 से 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है ताकि आपका, अगर आप ये कर पाते हैं क्योंकि आपको वहां पे पैसेज दिया हुआ रहेगा, आपको पढ़ना है और वहीं से क्वेश्चंस करना होता है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इजी हो सकता है। तो ये आपको 4 से 5 क्वेश्चंस वहां पैसेज से ही आपका सही होने वाला है। बाकी आपके यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, क्रिटिकल रीजनिंग, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये सारे रहने वाले हैं आपके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्बल का। तो आपको इन सारे टॉपिक्स को प्रिपरेशन करके जाना है। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और अगर आप नहीं भी पढ़े हुए हैं तो आपको बस इंडिया बिक्स से क्या करना है कि उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करना है, और अगर नहीं भी बनता है तो उसका सॉल्यूशन देखते जाना है कि क्या सॉल्यूशन बता रहा है, एक्सप्लेनेशन क्या है, तो एक्सप्लेनेशन देखते जाना है। क्योंकि इंग्लिश आप यहाँ 4 से 5 दिन में प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा लंबा टाइम का नीड होता है। तो आपको जो भी प्रैक्टिस करना है वो आप इंडिया बिग से करें, ये आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का असेसमेंट क्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे एप्टीट्यूड, क्वांटिटी और रीजनिंग का यहाँ पे प्रैक्टिस आपको सेट यहाँ पे मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, 20 टेस्ट सीरीज है यहाँ पे, तो वहाँ पे आप अच्छे लेवल का यहाँ इंडिया बिग से प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी यहाँ पे और भी वेबसाइट है, प्रेप इंस्टा है, प्रेप इंस्टा से आप टेस्ट सीरीज यहाँ पे दे सकते हैं, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज देने के लिए मिल जाएगा प्रेप इंस्टा में। उसके बाद आपका यहाँ करियर राइट है, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस लगाने के लिए करियर राइट भी आपका यहाँ पे अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर YouTube का बात करें तो YouTube में आपका कैंपस मॉक, जो कि क्वांटिटेटिव और रीजनिंग के लिए काफी अच्छा होगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप यहाँ से करके जाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और बाकी आप इंडिया बिग से प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। मैंने भी अपने टाइम पे प्रिपरेशन किया था तो कैंपस मॉन्क से ये दोनों टॉपिक प्रिपेयर किया था, बाकी तीनों सेक्शंस का मैंने यहाँ पे इंडिया बिग से ही प्रैक्टिस किया था। काफी सारे मैंने क्वेश्चंस लगाए थे, काफी सारे मैंने सेट्स लगाए थे इंडिया बिग से। तो ये सारे आपके रिसोर्सेस होने वाले हैं प्रिपरेशन के लिए। तो आई होप आप इन सारे रिसोर्सेस को यूज करें, और जिनका भी एग्जाम 15 अक्टूबर को होने वाला है तो आप कोडिंग क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं मेरे साथ सॉल्यूशन के लिए। तो लिंक्डइन का आपको या तो चैनल के बायो पे आपको लिंक मिल जाएगा, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो अगर आप कोडिंग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं लिंक्डइन पे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।